हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको अगर हमने समझ लिया तो ही हमें आगे के जो भी टाइप ऑफ कोरोजन है, जैसे गैल्वेनिक कोरोजन है, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन है, पिटिंग कोरोजन है, इनके बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो में हम पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जो कि बहुत छोटा पोर्शन है और फटाफट कवर हो जाएगा। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल्स आर अरेंज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि इसके अंदर मेटल्स टॉप टू बॉटम में अरेंज्ड होते हैं और इंक्रीजिंग मैनर में, किसके रेस्पेक्टिव, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। मेटल हाई इन द सीरीज आर मोर एनोडिक एंड अंडरगोज मोर कोरोजन देन द मेटल इन लोइट। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि जो मेटल हायर है टॉप पे है वो क्या होता है, ज़्यादा कोरोड होने की पावर रखता है। तो इन्होंने क्या कहा, मेटल हाई इन द सीरीज आर मोर एनोडिक। तो जो मेटल सीरीज के अंदर हाई पोजीशन पे है वो ज़्यादा एनोडिक होते हैं। ज़्यादा एनोडिक होने का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है कोरोजन किसका होता है, एनोडिक पोर्शन का होता है। तो ज़्यादा एनोडिक मीन्स क्या होता है, ज़्यादा कोरोजन होता है। ठीक है, तो अंडरगोज मोर कोरोजन देन दी मेटल इन लोइट। तो जो भी मेटल हायर पोजिशन पर है उसका कोरोजन ज़्यादा होगा एज कंपेयरिंग टू द लो पोजिशन मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिंक इज अबाव फ्रॉम आयरन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो जिंक हैज़ मोर कोरोजिव नेचर देन Fe। ठीक है, तो जिंक क्या होता है, हायर सीरीज में हायर पोजिशन पर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर Fe के कंपेरिजन में, इसलिए क्या है, जिंक का कोरोजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू Fe। बट यहाँ पर कुछ बट देर आर सम एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। सम मेटल्स आर प्लेस्ड एट हायर बट बिहेव लेस कोरोजिव नेचर। तो कुछ मेटल्स हायर पोजिशन पे हैं लेकिन जितना उनको कोरोजिव नेचर का बिहेवियर रखना चाहिए था उतना उनका कोरोजिव नेचर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पासिविटी। तो पासिविटी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना आप। This can be explained by passivity. A metal is passive if show less corrosive nature expected from its position in electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अगर मेटल अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग कोरोसिव नेचर नहीं दिखा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, पासिव मेटल कहेंगे। ठीक है, तो अगर मेटल अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग कोरोसिव नेचर नहीं दिखा रहा है तो हम उसको कहेंगे पासिव मैटर। द पासिविटी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन एंड हायर प्रोटेक्टिव नेचर फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। तो क्या होता है कि पासिविटी क्यों होती है, कोई भी मेटल पासिविटी नेचर क्यों शो करता है, तो उनके ऊपर क्या होता है, एक थिन यानी मोटी एंड हायर प्रोटेक्टिव नेचर नेचुरल फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उनके सरफेस के ऊपर एक फिल्म, प्रोटेक्टिव फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस से अंडरलाइन एटम्स को बचाए रखता है, यानी कि कोरोजन होने से बचाए रखता है मेटल को। ठीक है, दिस फिल्म कैन बी डिस्टर्ब बाय द चेंज इन एनवायरमेंट कंडीशन एंड कैन बी रेंडर्ड एक्टिव अगेन। तो ये जो फिल्म है ये एनवायरमेंटल कंडीशन से अफेक्ट भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि फिल्म कॉन्स्टेंट ही हमेशा के लिए बनी रहेगी, स्टेबल है, या एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। ठीक है, मेटल्स लाइक एल एन आई सी आर टी आई एंड अलॉय लाइक स्टेनलेस स्टील फॉर्म अनसोल्युबल प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन देयर सरफेस एट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल एंड एग्जिबिशन कंडीशन। तो ठीक है, मेटल्स, कुछ मेटल्स के जो नाम बताएं वो क्या कर लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं सर्टेन एनवायरमेंटल एंड एग्जिबिशन कंडीशन की वजह से। अब क्या होता है, द पासिविटी डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट
कंडीशन एंड स्पेसिफिक इन नेचर. तो ये जो पासिविटी नेचर है वो डिपेंड करती है फिल्म के ऊपर, और फिल्म किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो फिल्म वैनिश भी हो सकती है. तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि पासिविटी किस पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है. एयर फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर इन प्रेजेंस ऑफ HNO3. तो देखो पासिविटी फिक्स नहीं है कि हाँ एल्यूमिनियम हमें ज़्यादा ही करेगी या उससे कम ही करेगी. पासिविटी मीन्स क्या पढ़ा हमने, पासिविटी अगर अपने पोजीशन के हिसाब से कोरोसिव नेचर नहीं दिखा रही तो उसको हम पासिविटी कहते हैं. और पासिविटी किस पर डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है. तो हम फिक्स ये नहीं कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम पासिविटी शो करेगा या नहीं करेगा. तो ये डिपेंड किस पर करता है, एनवायरमेंटल पे. तो हमने फर्स्ट का देखा एल्यूमिनियम फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर इन प्रेजेंस ऑफ HNO3. तो एल्यूमिनियम क्या करता है, HNO3 की प्रेजेंस में प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए कोरोजन से बचा रहता है. सिमिलरली स्टेनलेस स्टील फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर इन प्रेजेंस ऑफ HNO3. ठीक है. Fe is passive when alloyed with Cr, nickel and MO. तो Fe जो है वो भी पासिव नेचर शो कर सकता है, यानी कि अपने पोजिशन के हिसाब से corrosive बिहेवियर नहीं दिखाएगा अगर वो अलॉयड हो किसके साथ, Cr, Ni और MO के साथ. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल्स का ऑर्डर है, टॉप टू बॉटम में अरेंजमेंट है, जिसके अंदर हायर पोजीशन वाले मेटल्स ज़्यादा कोरोसिव नेचर शो करते हैं एज कंपेयरिंग टू द लोअर पोजीशन. ठीक है, एज कंपेयरिंग टू द लोअर पोजीशन मेटल. ठीक है. एक और चीज़ हमने पढ़ी पासिविटी. पासिविटी क्या है, अगर कोई मेटल अपनी पोजीशन के हिसाब से कोरोसिव नेचर शो नहीं कर रहा है तो उसको हम कहेंगे पासिव मेटल. और पासिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, पासिविटी डिपेंड करती है ओनली फॉर एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर. तो हम फिक्स्ड ये नहीं कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम पासिव है, पासिव मेटल है या नहीं है, फेरस पार्ट आयरन पासिव मेटल है या नहीं है. वो सब डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, जैसे कि हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम पासिव नेचर कब शो करता है, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3. वैसे ही फिर आयरन जो है वो अगर अलॉयड हो Cr, Ni और MO के साथ तो वो भी पासिव नेचर शो करता है. तो नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं जो भी अलग अलग कोरोजन होते हैं, गैल्वेनिक कोरोजन, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, फिटिंग कोरोजन, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर. तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नोट्स के लिए व्हाट्सएप. थैंक यू.